और टीवी चैनल के माध्यम से मुझे पता चला और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर पता चली। गाजीपुर से दिल्ली तक का सफर कैसे देखती है संगीता जी? जी देखिए, ये तो बड़ा हम लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है कि देश के लिए कार्य करने का हम लोगों को सुअवसर मिला है उच्च सदन के माध्यम से। और बचपन से ही हमारे अंदर, मैं एक कवित्री भी हूँ, मैं एक लेखिका भी हूँ, बहुत सारी रचनाएं मैंने देश के लिए लिखी हूँ। और आज जब कुछ लेखनी के अलावा कुछ मुझे तन मन धन से करने का जब अवसर मिल रहा है देश के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। लगातार अगर विपक्षी बात करें, कांग्रेस कहती थी महिलाओं का उत्थान नहीं होता है बीजेपी में, पीडे की बात करती है समाजवादी पार्टी, तो उसको आज कुछ जवाब देना चाहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल कार्य ही करती है। जाति की बात तो सपा करती है, जाति की बात बसपा करती है, जाति की बात कांग्रेस करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पार्टियां जाति पे कार्य करती हैं, लेकिन हमारा दल जो है देश के नागरिकों के लिए काम करता है, बिना जाति धर्म देखे सभी को समाहित करके एक साथ लेकर चलने का कार्य करता है, ताकि विकासशील भारत को हम विकसित भारत बना सके। धन्यवाद। संगीता बलवान जी कहती विकासशील भारत को विकसित भारत की ओर लेके जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और अब की बार जो कहते हैं वही करते हैं, हमारी खूबी है भारतीय जनता पार्टी की। विपक्ष के बाद सिर्फ मुद्दों को बनाना है।